बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रुबीना शाहीन। आई एम लेक्चरर इन पाकिस्तान स्टडीज़ एट गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज इब्राहिम हैदरी, कोरंगी क्रीक, कराची। दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर एंड फर्स्टली आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पाकिस्तान स्टडीज़। बेसिकली पाकिस्तान स्टडीज़ इज़ अ फैसिनेटिंग कोर्स बिकॉज इट कवर्स पाकिस्तान history, politics, location of Pakistan, foreign policy issues and society. In other words, this course is about you, about me and about all of us. Now let's go to the topic. And the topic is ideology of Pakistan. And this topic we will be discuss two major issues. Number one, what is ideology? What are the meanings of ideology? Nazariya kya hai aur iske maane kya hai? Number two, what were the factors that led Muslims of British India to demand a separate state? Wo kya wajuhat thi jinki wajah se bade sagheer ke musalmanon ne apne liye alahda watan ka mutalba kiya? Now we will come to the meaning of ideology. Ideology is a set of beliefs, values, customs, aims, traditions, norms which is common to all members of a society. Basically, ideology is a system which is presented as the idea of the state. Asaan lafzon mein hum keh sakte hain ki nazariya ek muashre ki soch ki akkasi karta hai जिस पर चलकर एक कौम अपने मकसद हयात का तायुन करके मंजिल को हासिल कर लेती है। इन अदर वर्ड्स, इट प्लेज अ वेरी डायनेमिक रोल इन द लाइव्स ऑफ अ नेशन। इट शोज देम द डेस्टिनेशन विच दे वांट टू अचीव। डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। व्हेन वी टॉक अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, first we have to discuss about two nation theory. Basically, two nation theory developed a thought that the Hindus and the Muslims are two different nations in the subcontinent which have a lot of differences in their religion, culture, beliefs, civilization, political and social views, customs and traditions. When the Hindus started to show their nationality on the basis of their culture, then the Muslims of the subcontinent also showed nationality on the basis of Islamic ideology. It developed a concept of a separate state of Muslims of subcontinent on the basis of their separate identity. अब हम आते हैं दो कौमी नजरिया के तारीखी पहलू की तरफ। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों का रवैया मुसलमानों के साथ इंतहाई ज़िल्लत आमेज़ था और मुसलमान समाजी, मुआशी, सियासी, तालीमी हर लिहाज से अबतर हो चुके थे। उधर अंग्रेज़ों का सारा झुकाव हिंदुओं की तरफ था और हिंदू भी हर प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों को पीछे देखना चाहते थे। दो कौमी नज़रिया की अगर हम बात करें तो ये हिंदुस्तान के अंदर एकदम से वजूद में नहीं आया, बल्कि ये मुजद्दिद अलिफ सानी, सर सैयद अहमद ख़ान और इकबाल से होता हुआ जिना तक पहुँचा। 1857 की जंग आज़ादी के बाद सर सैयद अहमद ख़ान उन अजीम वो रहनुमाओं में से एक रहनुमा थे कि जिन्हें ये एहसास हुआ कि मुसलमानों का एक अलहदा तशख़्स है और ये एहसास उन्हें बनारस के उर्दू हिंदी तनाज़े के बाद हुआ। उर्दू हिंदी तनाज़े के बाद उन्हें यकीन हो गया था कि हिंदू मुसलमानों के वजूद को किसी लिहाज से बर्दाश्त नहीं कर सकते और ये दोनों अकवाम एक साथ रह ही नहीं सकती, और यही वो मोड़ था जहां मुसलमानों को उन्होंने एक अलग कौम के तशख़्स का एहसास दिलाया और उन्हें शऊर और आगही दी। और इसी शऊर और आगही को आगे चलकर बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जिना और अल्लामा इकबाल ने पुख्ता किया। जिना जो शुरू में इंडियन नेशनलिज्म के हामी थे,
लेकिन हालात और वाक़यात ने बाद में उनके सोच और अफकार को तब्दील कर दिया। लेटर ही वॉज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड टू सी द बिहेवियर ऑफ द हिंदूज, सो ही प्रेजेंटेड अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ द मुस्लिम्स इन अकॉर्डेंस विद द इस्लामिक आइडियोलॉजी। 8 मार्च 1944 को मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के तुलबा से ख़िताब करते हुए बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि पाकिस्तान तो उसी दिन वजूद में आ गया था जिस दिन हिंदुस्तान में पहला गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ था। एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज़ ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ मुस्लिम लीग, जिन्ना सेड, हिंदुइज़म एंड इस्लाम आर नॉट मेयर टू रिलीजन बट दे आर two separate social system. It would be a dream to think that Hindus and Muslims will form a common nation. I want to make it clear that both the nations belong to two civilization, and the foundation of these two civilization is on such philosophies which are opposed to each other. तश्कील-ए-पाकिस्तान के सफ़र में अजीम मुफक्किर, शायर, सियासी रहनुमा अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी कौम में मिली शऊर बेदार किया और दो कौमी नज़रिए की आगही दी। अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद 1930 में वाज़े अल्फाज में ये कहा, मेरी ये ख्वाहिश है कि सिंध, पंजाब, सरहद जो कि अब खैबर पख्तूनख्वा के नाम से जाना जाता है, बलूचिस्तान और जहाँ जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं उनको मिलाकर एक आज़ाद मुस्लिम रियासत की तश्कील की जाए। यही वो खुतबा है जो आगे चलकर करारदारे पाकिस्तान की आवाज़ बना और यूँ दुनिया के कुरे अर्ज़ पर मुतालबा पाकिस्तान के बाद 7 साल के मुख्तसर अरसे में पाकिस्तान के क़याम को हकीकी शक्ल मिली। कायदे आज़म हर मुमकिन कोशिश करते रहे कि कांग्रेस मुसलमानों की हैसियत को तस्लीम कर ले, लेकिन कांग्रेस मुसलमानों की हैसियत को तस्लीम करने में हमेशा हठधर्मी का मुजाहरा करती रही। अंग्रेज़ दूसरी जंगे अजीम में ये वाजह कर चुके थे कि वो जंगे अजीम के ख़ात्मे के बाद हिंदुस्तान से चले जाएंगे। कांग्रेस को उजलत थी। कांग्रेस ने ये स्लोगन लगाया, क्विट इंडिया, क्विट इंडिया, जल्द अज़ जल्द हिंदुस्तान छोड़ दो। तो इसके जवाब में कायदे आज़म ने ये नारा दिया, डिवाइड एंड क्विट, पहले तकसीम करो फिर छोड़ दो, वरना यहाँ बड़ा खून खराबा होगा। 1946 में मेमन चैम्बर्स में कायदे आज़म ने जो तकरीर की, उन्होंने वाज़े अल्फाज में ये कहा, हिंदूज आर अ ग्रेट नेशन एंड देयर रिलीजन इज़ ग्रेट रिलीजन, बट माई पॉइंट इज़ दैट वी आर डिफरेंट। यूँ मुसलसल अनथक कोशिशों और कुर्बानियों से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मौरज़ वजूद में आया। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम दो कौमी नज़रिया की असल रूह को समझने की कोशिश करें और दो कौमी नज़रिया के असल कॉन्सेप्ट को अपने अंदर अपने किरदार में उतारने की सही मानों में कोशिश करें। शुक्रिया।